इस बार देश में जो लहर कहा जाए वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है, और पांचवें चरण का जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामना है और जीत की अग्रिम बधाई मैं उन सबको देती हूँ। जिस तरह से 10 वर्षों से जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया, और ये चुनाव देश का चुनाव था, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं, और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इनकी विदाई तय कर दी। मोदी जी की गारंटी के 4 जून 400 पार महागठबंधन सफाया। देखिए 10 वर्षों से तो मोदी जी ने बहुत सारी गारंटी दी, तो जनता ये देख रही है कि 10 वर्षों में जो गारंटी पूरा नहीं किया, जिसकी गारंटी वो दे रहे थे, जो वादे कर रहे थे, तो एक बार और क्यों उनको मौका दिया जाए। अगर उन्होंने कुछ पूरा किया होता, जैसे हम लोगों ने, आप देखिए तेजस्वी को मौका मिला और 17 महीनों में तेजस्वी ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो उस पर जनता और युवाओं का विश्वास जगा है। अमित शाह ने कल कहा है कि जो राहुल गांधी है उनको 40 सीट आ रही है, राजद की 31 सीट नहीं आ रही। अब तो 4 जून को पता चलेगा अमित शाह जी को, मोदी जी पूछेंगे अमित शाह जी से।